मॉर्निंग टू एवरी वन। इन टूडेज क्लासेज वी डिस्कस अबाउट द आंसर की ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके दो चार पाँच दिन पहले हुए थे, उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में मैंने टोटल आपको 30 क्वेश्चन दिया था और 30 क्वेश्चन के हम लोग ए टू जेड मतलब क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर 30 के क्या आंसर सही होंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो जो बच्चे गलत आंसर किए हैं कोई बात नहीं है, आप एक बार देखो, आपको सीखने का मौका मिलेगा। नॉलेज इज पावर, ठीक है। अगर नॉलेज है तो मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है ना, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स इन इलेक्ट्रिक सेल्स। जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल्स में जो टर्मिनल्स होते हैं वो दो होते हैं, डेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज दैट इलेक्ट्रिसिटी वी यूज एट होम सप्लाइड फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं जो हमारे घर पे आता है वो कौन भेजता है, या कोई इंसान भेजता है या फिर कहाँ से आता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पावर स्टेशन जो होते हैं, पावर स्टेशन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड होता है। ओके, पावर स्टेशन जो होता है हमारा, वो हमारा आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा मेटल कैप इन इलेक्ट्रिक सेल्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि मेटल कैप्स होते हैं, मेटल कैप जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स में वो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओके, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव साइड। ओके, मैंने आपको बताया था कि पिंपल्स जैसा, छोटा सा दाना जैसा आपको सेल्स के ऊपर दिखाई देता है वो हमारा कौन सा साइड होता है, पॉजिटिव साइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पैसा दे के ले लो, बुला लो यहाँ पे, साथ में लाता ही नहीं स्कूल में, यहाँ पे कोई टीचर लाया भी नहीं होगा कि मांग सकते। बाइक लेके चले जाओ ना, आप बाइक ले लो उनकी मैथ सर की, फट से जाओ ले आओ। क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट मेटल कैप इन इलेक्ट्रिक सेल शोज पॉजिटिव चार्ज। मेटल कैप जो होता है हमारा क्या शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज दैट मेटल डिस्क इन इलेक्ट्रिक सेल्स। मेटल डिस्क जो होते हैं, हमने अभी बात की मेटल कैप के बारे में, ये हमारा क्या मेटल डिस्क है, तो मेटल डिस्क जो है हमारा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्या, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, मेटल डिस्क जो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा कैन बल्ब शो लाइट इन। बल्ब जो जल रहा है, जैसे हम भी बल्ब के आसपास में ही है, तो इससे क्या होता है, ओपन सर्किट में होगा, क्लोज सर्किट में होगा, या फिर टूटा हुआ सर्किट होगा, कैसा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि ओपन सर्किट मतलब ब्रेक है, कहीं ना कहीं वायर टूटा हुआ है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है कनेक्शन में। बट क्लोज सर्किट में हमारा बल्ब जलता है, जो हमारे घर में लाइट जलती है वो होता है क्लोज सर्किट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा क्लोज्ड सर्किट। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स है फिलामेंट यूज्ड इन। जो फिलामेंट यूज्ड होता है वो किस में होता है, फिलामेंट यूज्ड इन बल्ब, और ऑप्शन था हमारा फ्यूज्ड बल्ब एंड पिज्जा एंड नो एंड यस। तो फिलामेंट जो यूज होता है हमारा किस में होता है, बल्ब में यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा फिलामेंट यूज्ड इन बल्ब, ऑप्शन नंबर वन इज बल्ब, बी इज बैट, सी इज बॉल, डी इज होम प्लेट। फिलामेंट यूज्ड इन होता है हमारा बल्ब में। ओके, फिलामेंट यूज्ड इन बल्ब, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या होगा, बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट। जो बल्ब है हमारे उसके जो फिलामेंट वो टूटे हुए हैं, तो बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट, ऑप्शन नंबर वन इज फ्यूज्ड बल्ब, बी इज पिज्जा, सी इज नो, डी इज यस। तो बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट जो होगा हमारा क्या होगा, फ्यूज्ड बल्ब होगा। क्या काम दिए हैं? क्वेश्चन नंबर एट, मेटल इज अ, मैंने आपको बताया ना कि मेटल जो होता है हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है या फिर इंसुलेटर होता है या फिर क्या होता है, मेटल जो होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करते हैं, तो मेटल जब फ्लो हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। ओके,
मेटल क्या हमारा कंडक्टर। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। नॉन मेटल क्या हमारा इंसुलेटर, बी इज कंडक्टर, सी इज पेंसिल, टी इज पेन। हमें पता है कि मेटल में तो करंट फ्लो हो रहा है बट नॉन मेटल में करंट फ्लो नहीं होता है, मींस नॉन मेटल क्या हमारा इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा इंसुलेटर, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हमारा ए। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट ड्राई सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ड्राई सेल जो मैंने बताया था सेल्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज केमिकल, ऑप्शन नंबर बी इज वाटर, सी इज कार्बोहाइड्रेट एंड डी इज मोटू पतलू। तो मैंने आपको बताया था ड्राई सेल जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग केमिकल स्टोर इन इट, उसके अंदर केमिकल होते हैं उसके यूज के द्वारा उसके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या हो जाएगा केमिकल। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रिक सेल किस में यूज होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज टॉर्च, बी इज बल्ब, सी इज होम, डी इज नो। तो इलेक्ट्रिक सेल मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक सेल छोटे जो सेल्स होते हैं वो घड़ी के पीछे जो लगता है वो हमारे टॉर्च में भी यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है टॉर्च, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा टॉर्च। क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा हमारा टॉर्च। ओके, नाउ वी डिस्कस दी नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 12। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी में कॉम्बिनेशन होता है सेल का, सीरीज में होता है या फिर आपका पिलर में होता है या फिर बास्केट में होता है या फिर पैरेलल में होता है। तो बैटरी में जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, सीरीज में होता है। ठीक है, सीरीज में मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो दैट इज इन बैटरी। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 13। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज अटैच्ड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल इज कॉल्ड। पॉजिटिव टर्मिनल का एक सेल जो है नेगेटिव टर्मिनल के दूसरे सेल से अटैच्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्तिमान। बी है हमारा सीरीज, सी है हमारा पैरेलल एंड डी है हमारा नो वाइल फंक्शन ऑफ स्विच, नो एनी फंक्शन ऑफ स्विच। कोई भी फंक्शन यहाँ पे स्विच का नहीं है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का एक सेल जो अटैच है नेगेटिव टर्मिनल के एक सेल से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। पहला ऑप्शन दिया है हमारा ब्रेक द सर्किट, गलत। पहला ऑप्शन दिया हमारा शक्तिमान, बी दिया सीरीज। तो पॉजिटिव टर्मिनल का एक सेल नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। ओके, क्या होगा हमारा, पैरेलल होगा। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, पैरेलल होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। वो डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट एयर इज अ, ऑप्शन नंबर 1 गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज भाग निकलो। तो एयर जो है हमारा क्या है बच्चा, अरे बच्चा एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एयर क्या बच्चा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स सर आइए, बच्चों को कुछ बताइए, बात करिए आप। देखा ये हमारे फिजिक्स सर हैं, छोटे क्लास में तो पढ़ाते नहीं हैं, थोड़ा सर बताइए बच्चों को कुछ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आपके सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छे से सुनिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे चल के कुछ अच्छा काम कीजिए, जिससे कुछ तरक्की होगी आपकी तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हम सब ने आपको पढ़ाया है और हम भी कह सकेंगे घर से थैंक यू। और जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो सर से मुलाकात होगी, अगर सर इस स्कूल में रहेंगे तो पक्का आपको फिजिक्स से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, यूट्यूब पे डाल देंगे, आपको याद करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। टेस्टर डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर अ मटेरियल कैरी वायर, बी करेंट, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी बी एंड सी। टेस्टर डिवाइस का फंक्शन क्या है, टेस्टर डिवाइस जो होता है हमारा वो क्या करता है, करेंट और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होते हैं उसको क्या करता है, टेस्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोथ, डैट इज आंसर डी, बी एंड सी, करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. रबर इज अ, रबर क्या है आपका? कंडक्टर है, ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी स्कूल. रबर क्या है बच्चा? मैंने बताया था कि अगर आपका कंप्लीट सर्किट है और रबर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए, तो रबर इज अ इंसुलेटर. ओके, और इंसुलेटर का मतलब आपको पता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी. बी हमारा करेक्ट है, डेट इज इंसुलेटर. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका, गैस प्रेजेंट इन बल्ब. जो गैस प्रेजेंट होते हैं बल्ब में, वो कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं? वैसे तो आपको बहुत सारे नाम पता होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 था हमारा आर्गन, बी इज कैल्शियम, सी इज नाइट्रोजन, डी इज बोथ ए एंड सी. तो इसमें से दो गैसेस जो हैं वो बल्ब में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आर्गन एंड नाइट्रोजन. आर्गन एंड नाइट्रोजन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन जो है आपका क्या है हमारा पे? डी, बोथ ए एंड सी. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18 आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच स्ट्रिंग कैन नॉट बी यूज टू मेक अ सर्किट. आपके बुक में जूट स्ट्रिंग की चर्चा की गई है, तो मैंने ऑप्शन में जूट स्ट्रिंग ही दिया था कि मैं देखता हूँ बच्चे के किसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है कि नहीं है. तो इसमें मैंने ऑप्शन दिया था कॉपर, बी आयरन, सी जूट एंड डी इज बोथ बी एंड सी. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का डी, डैट इज बोथ नॉट डी. यहाँ पे आप हो जाएगा आपका जूट. ओके, जूट आपका आंसर हो जाएगा, डैट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, ये आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज दैट सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग, सेल जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे करता है? तो मैंने इसको एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी दिया था मैंने, तो उसको थोड़ा सा मैंने सही तरीके से दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टे तरीके से घुमा दिया. तो यहाँ पे दिया सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग रबर, बी मेटल, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दिस. इसमें कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया हमारा? नन ऑफ दिस. ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट रबर कैन बी यूज टू कंप्लीट. 20 बोलता है रबर का यूज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं किसमें? रबर कैन बी यूज टू कंप्लीट ऑप्शन नंबर 1 द सर्किट, बी ब्रेक द सर्किट, सी बोथ एंड डी नो. तो रबर का यूज, रबर क्या बेटा? बच्चा मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन, आपको बताना है रबर क्या है. बच्चा रबर जो है आपका इंसुलेटर है, और इंसुलेटर का यूज़ हम लोग सर्किट को ब्रेक करने के लिए कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक द सर्किट. ओके, तो रबर कैन बी यूज टू ब्रेक द सर्किट, डैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन 20 का बी हो जाएगा ब्रेक द सर्किट. ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 21. नाउ स्टूडेंट्स, मेरा बच्चा, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21. इलेक्ट्रिशियन यूज रबर. आपने देखा होगा कि जो आपके अगल बगल सोसाइटी में कभी आपने देखा होगा कि पुल पे कोई व्यक्ति चढ़ के वायरिंग कर रहा होता है, या फिर कहीं आपने अदर जगह पे देखा होगा, तो उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं. जिनके हाथों में नहीं होता वो अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है. तो इलेक्ट्रिशियन जो यूज़ करते हैं रबर ग्लव्स को, क्यों यूज़ करते हैं? अपने जीवन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. ये थोड़ा टाइट हो रही है, ठीक है, वो पहनते पहनते ढीला हो जाएगा. वैसे अच्छा लग रहा है, मेरा चॉइस है ना. क्वेश्चन नंबर 21, अभी थोड़ा उधर जाओ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा, टाइम मेरा कम हो जाएगा. इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स, इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं रबर ग्लव्स को. क्वेश्चन नंबर 21 इज दैट इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए वो रबर ग्लव्स को यूज़ करते हैं. आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन जो है रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे नहीं भी करते, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते, तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है. तो रबर ग्लव्स जो है हमारा क्या है? इंसुलेटर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं करेगा, जिससे वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके,
ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 इज दैट ह्यूमन बॉडी हमारा क्या इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है या फिर दोनों है या फिर नन ऑफ दिस। तो ह्यूमन बॉडी इज एन इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ, नन ऑफ दिस। तो अगर आपको कोई करंट लगा होगा तो करंट क्यों लगा आपको, क्योंकि आपके बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा मीन्स आपका बॉडी क्या कंडक्टर है, इसमें सोचने की बात ही नहीं। तो ह्यूमन बॉडी क्या हमारा कंडक्टर। ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा। स्विच कैन बी मेड बाय, जो स्विच जो बना रहता है, जो आपके घर में भी स्विचेज है, किसका बना रहता है, प्लास्टिक्स का बना रहता है। वो थर्मोसेटिंग होता है, वो आप पढ़ोगे अलग क्लास में। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। तो थर्म मतलब होता है हीट, हीट करके हम लोग क्या करते हैं प्लास्टिक्स को एक दूसरे शेप में बदल देते हैं। एक थर्मोसेटिंग होता है जो कि परमानेंटली सेट होता है, उसको हम लोग हीट करके भी दूसरे शेप में नहीं बदल सकते। तो उसका एग्जांपल हमारा स्विच है। तो हमारे घर में जो स्विचेज बने रहते हैं वो किसका बना रहता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। मीन्स जो स्विचेज है वो किसके बने रहते हैं, प्लास्टिक्स के। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज दैट व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो लाइफ के एम है वो क्या है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट एंड डिफेंस सेक्टर। तो एक बच्चे ने लिखा है डॉक्टर, वेरी गुड। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 25 इज दैट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉस्ट। मैंने बताया था कि एक ऐसा विटामिन है सी जो कि हीट करने से इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है बच्चा, स्कर्वी होता है। ठीक है, तो विटामिन सी डिफिशियंसी कॉस्ट स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी होता है, जिसका ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा है, स्कर्वी दिया है मैंने ए ऑप्शन में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका स्कर्वी करेक्ट है। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 26 इज दैट हुमेन हैव, कितने होते हैं हुमेन के। मैंने बताया था आपको कि जो मानव शरीर है उसमें 206 बोन्स है। हुमेन बॉडी हैज 206 बोन्स, बट व्हेन वी कंपेयर टू चाइल्ड, तो चाइल्ड के कंपेरिजन में जो होता है तो चाइल्ड के बोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें ज्वाइंट्स कम होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें ज्वाइंट्स कम होते हैं, उनमें बोन्स की संख्या ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे उनके ज्वाइंट्स होते जाते हैं तो बोन्स क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे बोन्स जुड़ते जाएंगे तो बोन्स की संख्या भी क्या होती है, धीरे धीरे घटते चली जाती है। ओके, तो ह्यूमन बॉडीज के कितने बोन्स हैं, 206। ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का क्या है, इनामल है। इनामल क्या होता है, नाम सुनते ही ऐसा लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इनामल एक पार्ट है हमारे दांत का जो ऊपर में पाया जाता है, टीथ की अपर लेयर में होता है। और ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि जब कोई कैविटी लगता है या फिर दांत सड़ता है तो पहले इनामल डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनामल हमारे दांत को बहुत सेफ भी करता है, क्योंकि अगर वो ख़राब नहीं होगा तो बाकी पार्ट भी ख़राब नहीं होते हैं। तो डॉक्टर्स के पास भी लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो जो मशीन्स यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे शार्प जब करते हैं दांत को, तो शार्प करते हैं या फिर क्लीन करते हैं, तो जो मशीन्स का वो यूज़ करते हैं उससे इनामल डिस्ट्रॉय होने के चांसेस अधिक होते हैं, जिसके कारण लोग दांत दिखाने भी जाने से बचते हैं। ऐसा मेरा मानना है, वैसे आपका जो मानना है वो आप मान सकते हैं। बट व्हेन वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 27, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ इनामल। ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 28 इज दैट लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट बोन है आपकी जांघ की हड्डी, डेट इज फीमर। ओके, नाउ वी डिस्कस दी नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 29 इज दैट यू वॉन्ट टू स्पेंड योर फ्री टाइम विथ, अपना आप खाली समय किसके साथ बिताना चाहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेइंग, बी इज स्टडी मैथ्स, सी इज स्टडी साइंस एंड डी इज एनी सब्जेक्ट। ठीक, बच्चे ने लिखा एनी सब्जेक्ट, वेरी गुड। तो एनी सब्जेक्ट ही आपका मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, बट आपका जो इंटरेस्ट हो पढ़ो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 29 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 30 इज दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 30, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है।
स्मॉलेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी दैट इज स्टेपीज, जो हमारे कान की हड्डी है। और जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको पढ़ाए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए बोल सकते हो, किसी अलग एग्ज़ाम के लिए बोल सकते हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आप फर्दर दोगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। तो जो भी एग्जामिनेशन आप देते हो, जो भी एग्जामिनेशन मैं आपसे लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्क्स स्कोर कर लिए डेट्स एंड। आपको सबसे पहले क्या करना, सीखो, चीज़ों को सीखो, अपना 100% देना सीखो। सक्सेस करना ना करना अलग बात है, जिस दिन आप अपना 100% देना लगोगे तो एक आम संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने इसके पीछे अपने 100% दिया। सक्सेस नहीं किया कोई बात नहीं, पहले अपने 100% दो, तभी तो अंदर से एक्सपेक्टेशन कैसे करोगे अपने आप से, मैंने अपना 100% दिया, हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, ऐसा मानना मेरा है। बट जब आप अपने 100% दोगे तो 90% चांस है कि आप सक्सेस करोगे। 10% हो सकता है कि आपके कुछ समय, लक, फेवर, जो भी है, अगेरा वगैरह मानना, आस्थाएं जो भी हैं, टोटका वोटका जो भी है, लोग अलग अलग तरीके के बहुत सारी बातें करेंगे, बट 90% चांसेस है कि मेहनत करो, 100% दो, किसी काम को पूरे मन से करो, टारगेट सेट करो, और टेस्ट जो भी होता है उसको प्रैक्टिस करो, इवैल्यूएशन करो कि कितने मार्क्स आपके आए हैं, कहाँ कमी रह गई है, अगला टेस्ट होगा, अच्छे से पढ़ो तो अच्छे से तैयारी करो और अच्छे मार्क्स लाओ। बी हैप्पी, बी पंचुअल, बी कंसंट्रेट। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।